बात रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है, जहां पर 14 और 15 अगस्त की रात को यूपी पुलिस अधिकारी का एक अलग चेहरा देखने को मिला। शामली की एसपी अजय पाल अपने ही महकमे की शिकायतें मिलने के बाद वेश बदलकर शहर का दौरा करने निकले और दोषी पुलिस वालों को उनके किए की सजा भी दी। आपने राजा महाराजाओं के रात में वेश बदलकर शहर का हाल जानने की कहानियां बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन यहाँ तस्वीरें सच्ची हैं। पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन पहले रियल लाइफ के स्पेशल किरदार से आपका तारुफ करवा देते हैं। ये है अजयपाल शर्मा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शामली। 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की रात अजयपाल शर्मा ने वेश बदला, वर्दी उतारी और अपने महकमे के निकम्मे कामचोर और घूसखोर वर्दी वालों की खबर लेने कुछ इस अंदाज में सड़क पर निकल पड़े। अजयपाल शर्मा ट्रक में सवार होकर पहुंच गए शामली के जिंजाना थाने इलाके की बिडौली चौकी पर। 15 अगस्त की वजह से हाई अलर्ट जारी था, चेकिंग जारी थी और यहीं पर कुछ सिपाही चेकिंग के नाम पर ट्रकों से अवैध वसूली में जुटे थे, लेकिन एसपी साहब ने ऐसा रंग दिखाया कि घूसखोर सिपाहियों के होश ही उड़ गए। एसपी अजयपाल ने न सिर्फ पूरे इलाके का मुआयना किया बल्कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पुलिस वालों को सजा भी सुना दी। 15 अगस्त के कारण सभी जगह पे हाई अलर्ट घोषित है और सभी जगह पे चेकिंग, जो भीड़ भाड़ के एरियाज हैं और बॉर्डर्स, वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। इसी को रियलिटी चेक करने के लिए उसमें ट्रक में बैठ करके इसकी चेकिंग मेरे द्वारा की गई है और कुछ अन्य अधिकारियों को भी, क्योंकि ऑन रोड रहने के लिए कहा गया है, जहाँ भी कमियाँ पाई गई हैं वहाँ पुलिस कर्मचारियों को उनको दंडित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और आगे भी इस पर चेक किया जाए कंटिन्यूसली। एसपी अजयपाल शर्मा को अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि रात के वक्त बॉर्डर पार करने वाले डस्ट से भरे ट्रक से 100 से 200 रुपए और रेत से भरे ट्रक से 750 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। जानकारी मिलते ही एसपी साहब ने वर्दी उतारी और चेहरे पर तौलिया ढक कर शामली की 5 चौकियों पर रेड कर डाली और 5 पुलिस कांस्टेबल को अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के तहत बिडौली चेक पोस्ट जो हमारी थाना जंजारा की लगती है, पूरी की पूरी चौकी को लाइन हाजिर किया गया है और उसके अलावा भी जिस तरह से कुछ बसें हैं जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सवारियों को लाद करके चलती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जो भी कानून का जहां पे उल्लंघन होता पाया जा रहा है उसमें संबंधित मामला। सूबे के सीएम योगी के फरमान के बावजूद यूपी में न सिर्फ कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट भी खस्ता हाल है। ऐसे में अजयपाल शर्मा सरीखे अफसर यूपी के लोगों को नई उम्मीद दे रहे हैं। शरद मलिक, इंडिया टीवी, शामली, यूपी।